आप सब के फेवरेट पवनदीप राजन से जुड़ी एक और लेटेस्ट और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जी हाँ, ये खबर पवनदीप से जुड़ी तो है, लेकिन साथ साथ अरुणिता कांजीलाल से भी जुड़ी हुई है। पवनदीप और अरुणिता से जुड़ी ये खबर फैंस को काफी ज्यादा पसंद भी आने वाली है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पवनदीप राजन कई गाने रिकॉर्ड करते हुए दिखाई जाते हैं। ज्यादातर गाने उनके अरुणिता के साथ ही होते हैं। ऐसे में अब पवनदीप राजन ने म्यूजिक कंपोजर राज सेन के लिए दो गाने रिकॉर्ड कर लिए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये गाना अरुणिता नहीं गा रही, फिर भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अरुणिता पवनदीप के साथ गई हुई थी। राज सेन 1994 से म्यूजिक कंपोज करते आ रहे हैं। वो बॉलीवुड, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल कई भाषाओं में गाने बना चुके हैं। साथ ही साथ वो बॉलीवुड नाइट्स और शो भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। पवनदीप का यह गाना सोलो गाना होगा या फिर नहीं, ये भी बात बहुत जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन अरुणिता इनके साथ नहीं गा रही हैं। अरुणिता और पवनदीप दोनों राज सेन के साथ दिखाई दिए थे। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करें। ऐसी ही कुछ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।